नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। अब हम मौजूद हैं पोर्ट ब्लेयर के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से जो है यहां की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हाल में है। यह एक टूरिज्म अट्रैक्शन प्लेस है जहां से एक दिन में सैकड़ों टूरिस्ट जो है यहाँ से रॉस आइलैंड नॉर्थ बे के लिए निकलते हैं और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए खासकर आते हैं। हम आपको दिखाएंगे अंदर की हालत जो है वो किस तरह से बुरा हाल में पड़ा हुआ है। आप देखिए, गेट के अंदर घुसते ही एक पीबीएमसी का वाटर एटीएम लगा हुआ है, लेकिन ये वाटर एटीएम कई सालों से, जब से लगा है मेरे ख्याल से एक महीना कुछ चला है यहाँ के लोगों का कहना है, उसके बाद से ये बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और हम आगे दिखाएंगे आपको किस हालत में यह वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हालत है। आप देखिए, ये एंट्रेंस ही ऐसा है। अब आप बताइए, अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट का अगर एंट्रेंस ही इतना गंदा है तो वो टूरिस्ट का रिव्यू क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं, अब उल्टे हाथ की तरफ में गेट में घुसते साथ ही यहाँ पे एक वार मेमोरियल है, अबर्डीन मेमोरियल ऑफ द बैटल ऑफ अबर्डीन, अबर्डीन वार मेमोरियल भी इसको बोला जा सकता है। यह एक स्मारक है, लेकिन यहाँ का जो जाने का रास्ता है यह टोटली बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे सामने खोद के रखा हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ और झलक। ये जो यहाँ पे पहले एक शेड हुआ करती थी जहाँ पे बोट से जाने वाले आके खड़े होते थे, लेकिन आज वो जर्जर हालत में पड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले एक शेड हुआ करता था, अब इसकी हालत आप देख सकते हैं, पूरी तरह जंग पकड़ा हुआ है। और यह अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट खड़े होते हैं तो उनका जान भी जा सकती है, टोटली खतरे पे है। अब देख सकते हैं पूरे का पूरा, मतलब पूरा जो परिसर है वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जो परिसर है पूरी तरह मतलब ख़त्म हो गया है। हम बता सकते हैं कि पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। क्या प्रशासन टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश कर रही है या अंडमान से टूरिज्म को पूरी तरह बंद करने की कोशिश में लगी हुई है, यह सवालिया निशान है। हम देखेंगे और भी। अब आप देख सकते हैं मेरे हाथों के दोनों तरफ, मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है, कई पिल्लर बना के रखा हुआ है, लेकिन आज तक इसको यूज़ नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि ये लगभग 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये तरफ देखिए, यहाँ पे पहले काउंटर हुआ करता था जिसका बोट का जो है टिकट वगैरह यहाँ से लेते थे और ब्रीफिंग वगैरह होता था, यह अभी टोटली ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा हुआ है इसमें जंग पकड़ा हुआ है और ये अगल बगल से जो है पूरी तरह घास उठ चुका है, पूरी तरह ख़राब हो चुका है। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्यों इस वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट था, इसको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, इसकी वजह क्या है? ये समझ से परे है। यहाँ से जितने भी टूरिस्ट आते जाते हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना शेड है, ना ही कोई टॉयलेट की फैसिलिटी है, और बारिश हो या धूप हो उनको जो है यहाँ पे मतलब जूझना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक उनका टर्म आता नहीं है तब तक उनको यहाँ रुकना ही पड़ता है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह एक शेड बना हुआ है जो लगभग 4 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है अभी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लेबर्स रह रहे हैं। अंडमान में अक्सर ये होता है कि कुछ शेड बना दिया जाता है और उसमें लेबर को रख देते हैं, उसके कुछ साल के बाद वो अपना एंक्रोचमेंट करके उसको मतलब अपना नाम बता देते हैं कि अब ये हमारा है। क्या ये भी उसी कगार पर जा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। अब हम दिखाते हैं आपको कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर बना के रखा हुआ है, इसमें बाकायदा डेट भी लिखा हुआ है। ये लगभग हम दिखाते हैं आपको, अब देखिए ये 3/1/23 को बना हुआ है ये। अब इस तरह कई ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, कई ब्लॉक्स यहाँ पे ऐसे बना के रखा हुआ है। और अब ये देखिए पिल्लर की हालत क्या है, ये पूरी तरह इसमें घास उग गया है और ये रॉड जो है बेकार होने की कगार पर पड़ी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह एक वेटिंग शेड हुआ करता था, लेकिन आज इसकी हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकते हैं और इतनी गंद मची हुई है कि आपको हम बता नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि उसके चारों तरफ जो है घास झकाड़ी भरा हुआ है और बहुत ही बुरा हाल है।
कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो पत्थर पड़ी हुई है, बजरी जो पड़ी हुई है, यह बताता है कि ये कितना साल से यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, ये घास फूस उगना शुरू हो गया है। ये अब ये कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है या प्रशासन की लापरवाही है, यह तो प्रशासन ही बता सकती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है पैसेंजर हॉल, कभी हुआ करती थी। आज यह जो है ये कॉन्ट्रैक्टर का गोडाउन बनकर रह गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अपना माल को जमा करके रखा हुआ है। अब ये वेटिंग शेड नहीं रहा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी सामान रखे हुए हैं, अगर ये यहाँ पर पड़े रहेंगे तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो कहाँ पे बचेंगे? बारिश हो या धूप हो, उनको यहीं पे झेलना पड़ता है। और अब ये देखिए, सामने देखिए, यहाँ पे जो है दारू के बोतल पड़ी हुई है। मतलब टोटल अय्याशी का अड्डा बन गया है। ये काफ़ी बोतल्स हैं दारू के, आगे भी आप देख सकते हैं। मतलब इतना गंद मचा के रखा हुआ है कि यह टूरिस्ट स्पॉट तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। अगर यही हाल रहा तो टूरिस्ट का क्या रिव्यू जाएगा अंडमान को लेकर, यह देखने और समझने वाली बात है। यह जो है आगे गेट जो है जेट्टी का, अबडीन जेट्टी का जो गेट है वो पूरी तरह बंद करके रखा हुआ है, आगे किसी को अलाउ नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है, यहाँ जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 4 साल से यह बंद पड़ा हुआ है। कोविड के पहले से यह बंद पड़ा हुआ है और अब तक इसको ओपन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ना वेटिंग शेड है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, जिसकी वजह से लोगों को, जो टूरिस्ट आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर बीच में जाते हैं तो मगर का खतरा, और जब बोट से जाने के लिए आते हैं तो वहाँ पे अपना खुद की सेफ्टी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो रेलिंग लगी हुई है, यह भी अभी नया डाला हुआ है, लेकिन इसकी हालत जो है जंग पकड़कर हालत ख़राब है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसका जो गुणवत्ता है उस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। क्या यह भी कमीशन का कर लो क्वालिटी का माल यहाँ पे डाल दिया गया है? इसी तरह एक रेलिंग और है जो मैं दिखाऊंगा, वो पहले से लगा हुआ है लेकिन वह तो सुरक्षित है, वो जंग उसमें जंग नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये पूरे रेलिंग में जो है जंग लगा हुआ है। तो क्या इसकी क्वालिटी देखी नहीं गई थी? यह भी हम आपको दिखा रहे हैं, राजीव गांधी जी की प्रतिमा जो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगी हुई है, यह भी स्टील का रेलिंग लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यह रेलिंग और उसी के बाजू में जो दूसरी रेलिंग लगी हुई है, यह दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है और इस रेलिंग की क्वालिटी कैसी है। दोनों अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही बनवाया गया है। तो इस रेलिंग की जो माल डाली हुई है इसमें, उसकी क्वालिटी क्या है और इस रेलिंग की क्वालिटी क्या है? तो इसमें क्यों इस तरह का लापरवाही दिखाया गया है, इस पर भी सवालिया निशान है। सामने देख सकते हैं आप, इतने सारे बोट जो हैं यहाँ से डेली संचालित होती है, हर दिन संचालित होती है। तो इसमें जितने भी पैसेंजर्स आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं, उनको यहाँ पे रुकने के लिए जगह कहाँ है आप बताइए? आप देख सकते हैं, हमने सारी जगह आपको दिखाया, यहाँ पे कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे टूरिस्ट जो है अपने आप को बारिश या धूप से बचा सके। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सभी लोग यहाँ पर आने के बाद में जो है अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। यह क्या प्रशासन की लापरवाही नहीं है? इससे टूरिज्म बढ़ेगा या घटेगा, इसमें टूरिस्ट की क्या रिव्यू जाएगी, यह देखने वाली बात है। क्या एक बार टूरिस्ट यहाँ आने के बाद दूसरे किसी को रेकमेंड करेंगे अंडमान जाने के लिए, इस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। सकते हैं यहाँ पे जो एक फ्लोटिंग जेट्टी बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि यह कितना सुरक्षित है। यहाँ पे अगर बच्चे चढ़ते हैं या बुजुर्ग जाते हैं तो वो कहाँ सेफ है, किस तरह उनको सेफ्टी मेजर आप करेंगे आप बताइए? अब टोटल ओपन पड़ा हुआ है ये, और ये जब भी हवा चलती है तो जेट्टी जो है काफ़ी हिलडुल रही है। अब आप देख सकते हैं जेट्टी वैसे भी काफ़ी हिलडुल रही है जबकि हवा आई नहीं अभी। इस वक्त जब जेट्टी हिल रही है तो जब इसमें टूरिस्ट चढ़ेंगे, जब टूरिस्ट जाएंगे इसमें, तो बच्चे बूढ़े और उम्रदराज लोग रहेंगे तो वो कहाँ से यहाँ पर सेफ है, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं, जो टूरिस्ट बोट से जुड़े हुए हैं, टूरिस्ट लोगों को यहाँ से दूसरे द्वीपों में लेकर जाते हैं, रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे के लिए लेकर जाते हैं, उनके लिए बनाया गया है यह शेड।
या काउंटर बोल सकते हैं आप, तो ये काउंटर में उनको सुबह से शाम तक यहाँ रहना पड़ता है। तो आप बताइए, तो यहाँ से लोग अगर बाथरूम जाना है या यूरिन पास करने जाना है तो ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई पानी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप लोगों का कहना है, जो ये काम से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि ये जो है अगर बारिश वगैरह आ जाते हैं तो वो सामने जो कैफ़े बना हुआ है उस कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद आते हैं, लेकिन वो कैफ़े में भी बैठने की जगह अंदर नहीं है, उनको बाहर ही बैठना पड़ता है। तो ये कहाँ से सेफ़ है? मैं अंडमान निकोबार प्रशासन से यह पूछना चाहता हूँ, क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं या पर्यटन को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं? अब हमारे साथ मौजूद है टूरिज्म से जुड़े हुए एक शख्स, जो यहाँ पे जो है टूरिस्ट को नॉर्थ बे रॉस आइलैंड के लिए लेके जाते हैं बोट में। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह की तकलीफ़ें हो रही है और उनके गेस्ट को किस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। सर नमस्कार। सर जी, सर नाम सर आपका? अली, मोहम्मद अली मेरा नाम। जी सर, बोलिए सर, आप टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हालत जो है इतना खस्ता हालत है, इसमें आप लोगों को किस तरह का प्रॉब्लम होता है? सर जैसा कि वाटर स्पोर्ट्स में आके कई साल से ये काम चल रहा है, हम तो यहाँ पे वॉकिंग गेस्ट जो आता है उसका उनको क्या सुविधा देते हैं, यहाँ से आइलैंड के बारे में ब्रीफ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सालों से ये काम को रुकने की वजह से आप देख सकते हैं पीछे मिट्टी का ढलाई है और गेस्ट, बारिश अभी चल रहा है, बारिश में जैसा अभी हम भी आ गए, बारिश सडन आ गई तो भीगना पड़ता है, वैसे गेस्ट को भी इसमें दिक्कत आती है। गेस्ट क्या है, आती है एक झटका बारिश से सबको भाग के वो कैफ़े के अंदर पार्क के अंदर में जाना पड़ता है, फिर निकलते हैं। तो इसके लिए हम आके सरकार से यही चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो सुविधा है इसके टूरिज़्म के जरिए से हमारे यहाँ में मालूम है, पैसा तो बोला नहीं टूरिज़्म में है तो हम लोग भी यहीं में कमाते हैं, लेकिन गेस्ट आते हैं ना, गेस्ट का रिव्यू ख़राब जाता है। तो इसके लिए क्या है, हम तो ये चाहेंगे जल्द से जल्द आके यहाँ पे गेस्ट का रेस्ट रूम बने, जैसे जंगली घाट में हमारा है वैसा बन जाए, और उसके अलावा जाने आने का सुविधा जो गेस्ट का, ये देखो कटाई जो रुका हुआ है काम वाटर स्पोर्ट्स के अंदर में, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि अभी 3-4 साल से बनने का कुछ कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन इसीलिए और क्या बोलेगा अभी मीडिया को, यही बता सकते हैं हम, आप आगे तक आपकी जिम्मेदारी है लेके जाए, अभी हमारे हम जनता की कितना आवाज़ उठाएंगे बस। ओके, थैंक यू सर। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर नहीं नहीं भाई, जो बोला वो सही ही बोले। ठीक, ओके। अभी हम यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो काउंटर हैं जहाँ से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे के लिए टिकट काटा जाता है, उस काउंटर पर मौजूद है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो काउंटर में जो लोग बैठते हैं उनको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जी नमस्कार भैया, आप अभी जो काउंटर में बैठे हुए हैं पूरी तरह से खुला हुआ है, बारिश का मौसम है, गेस्ट आते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ना यहाँ पे कोई शेड है, ना कोई टॉयलेट है, ना कोई बाथरूम है, तो आप लोगों को डेली जो आपको फेस करना पड़ा, किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? सर जैसा कि आप देख रहे हैं, ना कोई शेड है, ना कोई सेट है, ना कोई हमें रुकने के इंतजाम है, बारिश आता है तो हमारे गेस्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है कि जो है कोना कोना जो है भागना पड़ता है, टिकट भीग जाता है फिर उसको सुखाते हैं, कभी काउंटर उठाना पड़ता है, ना बाथरूम का फैसिलिटी है, ना कुछ फैसिलिटी है, ना चेंजिंग रूम या कुछ है, आके गेस्ट को इतना परेशानी झेलना पड़ता है। बाहर से हम एक उम्मीद लेके आते हैं घूमने के लिए और यहाँ का आप देखिए हाल क्या है कि नहीं। अभी फोन ये जो काउंटर हुआ करता था पहले, ये अबडीन जट्टी में हुआ करता था, हम वहाँ गए थे, अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से वो काम ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब वहाँ का जो इंचार्ज है उनसे पूछा गया तो बता रहे हैं कि ये जो है काम कोर्ट केस में पड़ा हुआ है, तो इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर काम जो पेंडिंग है वो अभी तक जो है पेंडिंग ही पड़ा है, बट टूरिस्ट के नाम में काम कर रहे हैं बोल रहे हैं लेकिन काम हो नहीं रहा है, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ में एक शेड चाहते हैं ताकि जो है हमारे जो टूरिस्ट वगैरह आए उनके लिए आसानी हो, वरना ये दिक्कत जो है अभी ऐसा है, अभी तो फुल सीज़न शुरू होने वाला है तो वो टाइम में और परेशानी होगी, और ये परेशानी का सामना सिर्फ आने वाले गेस्ट नहीं हम लोग भी करते हैं। नमस्कार भाई, आप लोग यहाँ तक आए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम करीबन सुनामी कोविड के बाद से ये जो प्रॉब्लम था ये यहाँ पर ये बना हुआ है। पहले तो कोविड में हम लोग बोट वाले बहुत बुरी कदर उनका हालत हुआ, अब जब गेस्ट आने लगा तो डेली रेन होता है, बारिश सुबह का टाइम आता है, उस टाइम जब भगदड़ होता है ना, आप देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ का जो लोग काम करते हैं ना वो बहुत ही तकलीफ में काम करते हैं, और इतना तकलीफ में काम करते हैं कि बार बार हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बताए हैं, यहाँ के हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुलदीप राय सर, मैं उनको भी बताए, वो भी बात की है, मगर कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है।
सेक्रेटरी साहब कुछ बोल रही है, मैडम कुछ बोल रही है, मगर काम नहीं हो रहा है। मगर आप सुबह अभी बारिश नहीं है, अभी फ्लो है तो आपको नहीं मालूम होता, जब बारिश आता है ना तो यहाँ के जो जितने भी लोग काम करने वाले हो तो सब एकदम भीग जाते हैं। और भीगने के बाद भी, क्योंकि गेस्ट को बचाना है, वो गेस्ट को कोई भी खड़ा करते अपना भीग रहे, सुबह से शाम तक भीग के काम करते हैं, बीमार होते हैं हमारे लोग, फिर दो दिन काम में नहीं आते। मगर बराबर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, नज़र में रखा है, मगर काम नहीं करता। हम लोग के लिए यहाँ पे काउंटर खाली भी है, अगर वो काउंटर दे दे। अभी सोचिए गेस्ट आया और गेस्ट को हम बारिश में खड़ा कर दिए तो भीग जाएगा, गेस्ट जाएगा नहीं वापस जाएगा। तो एक सेट बना दीजिए, टेम्परेरी सेट बना दीजिए जिसमें गेस्ट बैठ जाए, एक 50 कुर्सी 100 कुर्सी लगा दीजिए, जो एजेड रहेंगे उनको बैठा देंगे, बाकी लोग को खड़ा कर देंगे। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, खाली एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग को इस हाल में छोड़ दिया। और बहुत दुख भी लगता है हम लोग को कि भाई हम लोग का बोट वाले जो है अपना मेहनत से चला रहे, अभी हम लोग टेबल अपना पैसा से, कुर्सी अपना पैसा से, हम लोग तो बोलते पे करने के लिए हम लोग तैयार है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा हम लोग, मतलब जो भी हम लोग का एसोसिएशन पे करेगा, मगर एक सुविधा करके हम लोग को देना चाहिए, बस हम लोग यही मांगे। और हम लोग सब लोग एक होके ही हम लोग सब अभी चला रहे, बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत बढ़िया, बस यही है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर मदद कर दे हम लोग को थोड़ा सेट के लिए, काउंटर के लिए, तो बस ये हम लोग को सुविधा हो जाएगा और हम लोग इसी में खुश रहेंगे। जैसे कि हमने देखा था जब बारिश हुई थी, मैं कल दो दिन पहले मैं आया था, तो बारिश जब आया तो टूरिस्ट भी एक तरफ भाग रहे हैं और काउंटर के लोग भी अपने टेबल कुर्सी लेकर भाग रहे हैं। तो इस तरह मैं सनी जी से जानना चाहूँगा, जो यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय सोशल वर्कर है सनी जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा, सनी जी क्या अंडमान में टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है या अंडमान से टूरिज्म को भगाने की कोशिश किया जा रहा है? रमन भाई, सबसे पहले आज तक चैनल का बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए। सबसे पहला चीज़ क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड का 70% लोगों का रोजी रोटी टूरिज्म से चलता है। लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, अभी बारिश गिर जाने से कहीं वो गेस्ट वहाँ जाता है, कोई गेस्ट कहाँ जाता है, छत भी नहीं है, टूरिज्म देखता है। डीसी मैडम को भी कई बार इंटीमेट किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है डीसी मैडम से, एक सेट खाली है वहाँ पे सामने में, वो अगर हम लोग अलॉट कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। एमपी साहब को भी कई बार बोले, लेकिन एमपी साहब आश्वासन दिया कि कर देगा, लेकिन किया नहीं अभी तक। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो भी हमारे पीआरआई मेंबर्स है और नियामत भाई को भी हम लोग बोले हैं, नियामत भाई भी बोला है कि जल्द से जल्द वो वाला जगह जो है अलॉटमेंट कर देगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, आप भी अपना माध्यम से उनको संपर्क करें और हम अलॉटमेंट कराएं। सर हम देख रहे हैं, पिछली बार जब हम आए थे तो उस समय जो है हर एक बोट ओनर्स के लिए एक एक जो काउंटर दिया गया था, लेकिन आज वो काउंटर के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ पे लाखों रुपया खर्चा करके आते हैं और आने के बाद जब इस तरह का माहौल अंडमान या पोर्ट ब्लेयर का देखते हैं, तो उनका रिव्यू कैसा होगा, वो रिव्यू कैसे देंगे आप, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पहले क्या था, सब अलग थे, डिवाइड थे, सब अलग अलग बोट चलाते थे, सबका अलग काउंटर था। सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ, शफीक भाई और नियामत भाई के कारण डीसी मैडम को हम लोग इंटीमेट किया, जिसके कारण हम लोग अभी कंबाइन हो गए, हमारा एसोसिएशन हो गया, रोस्टर सिस्टम में चलता है, बड़ी बोट छोटी बोट सब मिल के चलता है सर, जिनसे रोजी रोटी का जरिया और बढ़ गया। एक इक्वल पैसा सभी शेयर से ले जा रहे हैं, पहले क्या था मैं ज़्यादा लेके जाता था, वो बेचारे कम लेके जा रहे थे, अभी क्या हुआ सब आराम से बराबर का हिस्सा लेके जा रहा है, पीसफुल काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन एक थोड़ा सा हम लोग को शिकायत है मैडम से, सीएस सर से, एलजी सर से, एमपी सर से और साथ ही साथ डीसी मैडम से, एक काउंटर अलॉटमेंट कर दीजिए, लोग कहाँ से आते हैं इतना लाखों रुपया देके, हमारे पास एक काउंटर नहीं है, ये शर्म की बात है। भास्कर सर से भी हमने बात किया, लेकिन नियामत सर और शफीक भाई प्रधान जो बीटा खड़ी के, उन्होंने डीसी मैडम के साथ में कई बार किया और हमारा मदद भी किया है कि हमें अलॉटमेंट कराने के लिए। हमारे जो जितने पीआरआई मेंबर्स हैं, डीएचजी भास्कर से भी संपर्क किए, भास्कर सर ने भी हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आप लोगों का काउंटर अलॉटमेंट होगा। अगर काउंटर के लिए पैसा का ज़रूरत है, मैं खुद अपने जेब से डालूंगा, ये टीएचजी भास्कर सर ने कहा है। अगर हमको अलॉटमेंट के लिए कुछ ज़मीन दे दे, तो भास्कर सर बोला मेरे खर्चे से मैं बनाऊंगा। जिस तरह से सनी भाई कह रहे थे कि जिस काउंटर को लेकर वो बात कर रहे थे, जिसको लेकर डीसी मैडम से बात कर रहे थे कि ये काउंटर अगर हमें उपलब्ध करा दी जाए तो बहुत बड़ी सुविधा होगी, मैं इसी काउंटर के बारे में बात कर रहा था जो आईपीएनटी डिपार्टमेंट की है।
थोड़ा सा इसमें रिपेयरिंग वर्क है, रिपेयरिंग वर्क अगर हो जाता है और ये काउंटर इन बोट एसोसिएशन को अगर उपलब्ध करा दी जाती है तो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी, यह कहना है यहाँ के जो सनी जी हैं उनका। और भी काफ़ी लोगों से हमने बात की, सभी का एक ही कहना है कि इनको अगर परमानेंट एक काउंटर मिल जाए बस उतना ही काफ़ी है, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर ये शेड को अगर रिपेयर करके अगर उनको दे दिया जाए तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं भी अपने आज तक न्यूज़ की तरफ से डीसी मैडम से आग्रह करता हूँ कि इन लोगों को इनके सुविधा के लिए एक काउंटर कम से कम उपलब्ध करा दिया जाए, जो आईपीएनटी के ही अंडर में आती है, ये अगर उपलब्ध करा दी जाए तो कई लोगों का चूल्हा जो है इससे जलती है तो उनको बहुत ही फायदा होगा और उनका रोजी रोटी चलेगी। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि सामने जो पार्किंग एरिया है और ये जो शेड के सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर एक तारपोलिन का अगर परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो जो गेस्ट बारिश के समय यहाँ वहाँ भागते हैं, बच्चे जो रहते हैं उनके साथ में, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हैं, यहाँ पर बचा जा सकता है। काफ़ी जगह है यहाँ पर, ये पार्किंग का एरिया भी है और ये सामने का जो प्लॉट है इसमें भी अगर ये तारपोलिन का अगर शेड बना दिया जाए जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये जो पार्किंग का एरिया है वो सामने जो ट्रैफिक पॉइंट है उसके सामने में जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे अगर एक तारपोलिन का परमानेंट शेड बना दिया जाए तो काफ़ी सारे लोगों को खड़ा होने के लिए काफ़ी सुविधा हो सकता है। और ये बारिश के समय हो या धूप के समय हो, टूरिस्ट जो लाखों रुपया खर्चा करके वहाँ से आते हैं उनको यहाँ वहाँ दौड़ने की वहाँ यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि हमारे पीछे की तरफ दिखाए, देख सकते हैं कि कितने सारे गेस्ट हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी शुरू हुआ ही है टिकट कटना। अब देखिए अभी धीरे धीरे लोगों का हुजूम आने वाली है। इस तरह के माहौल में अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ के टूरिस्ट जो है कहाँ अपना सिर बचाएंगे, बच्चे कहाँ बचेंगे। और ये जो काउंटर है जो तिरपाल बांध के रखा हुआ है, ऐसे में ये उनको हर दिन जो है तिरपाल उठाकर भागना पड़ता है। अगर इस तरह में अगर जैसे यहाँ के लोगों ने कहा कि हमने कई बार कई लोगों से मांग की कि हमारे लिए काउंटर का इंतज़ाम किया जाए, हमारे इसके पीछे ही देखिए काफ़ी बड़ा सा एक एरिया है जो जंगल में तब्दील हो चुका है। अगर इसी जगह पे अगर काउंटर इनको बना के दे दिया जाए, परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया जाए तो ये बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन्होंने कई बार डीसी मैडम, सीएस साहब और कई सारे काउंसलर लोग से अपना शिकायत दर्ज की है, लेकिन आज तक उनका कहना है कि आज तक कोई सोल्यूशन इसमें नहीं निकला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कई सारे गेस्ट हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उम्रदराज लोग भी हैं। तो मेरा सवाल एक ही है एडमिनिस्ट्रेशन से, अभी भी मेरा सवाल एक ही है, क्या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज़्म डिपार्टमेंट अंडमान से टूरिज़्म बंद करना चाह रहे हैं या टूरिज़्म को डेवलप करना चाह रहे हैं, इस पर सवालिया निशान है। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।